जय श्री कृष्णा राहुल। जय श्री कृष्णा जी। डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1992। टाइम 5:25 AM। प्लेस गुरुग्राम। सबसे पहले आपकी लाइफ में दो फेजेस, जब आप 8 साल के थे क्या क्या चेंजेस आए थे आपकी लाइफ में? कुछ आपकी तबीयत खराब हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई आपको चोट लगी हो, कुछ कुछ माइंड में हो, मतलब एग्जैक्ट अगर 8 याद नहीं है तो लगभग कि हाँ मैं बचपन में इतना था और मेरे को लगा था करके। ये मेरा एक तो मैं सिक्स क्लास में था जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था। ओके। कितने साल के होंगे आप उस वक्त? उस टाइम में होंगा 10-12 साल। ओके। 16 ईयर। यहाँ पर क्या चेंज था फिजिकली नहीं, आपके अपने थॉट प्रोसेस में, आपके काम करने में, आपके सोचने में, आप जो कुछ भी करते जा रहे थे उसके अंदर आपको एकदम से ऐसा लगा हो कि मुझे ये ना करके मुझे ऐसे करना है? एक लगभग एज बता रही हूं मैं आपको, 15, 16, 17 तीनों को लेकर चलना, ठीक है? ये जो एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आया था ये कैसा था? ये जब मैं 15-16 का था तो उस टाइम पे ये 11-12 क्लास में था, मैं 11th में 10th में था, तब मेरे रुचि मेरे जिमनास्टिक्स में ज़्यादा हो गई थी, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन हो गया था। एंड यहाँ से थोड़ा चेंजेस ही आने लगा था मेरी लाइफ में कि मुझे इस फील्ड में भी जाने का सोच यहाँ से आने स्टार्ट हो गया। okay. था मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगा था स्टेडियम में या इधर उधर जहाँ से भी मुझे प्रैक्टिस की जगह मिल, एम मिल गया था, एक मिल गया, एम मिल गया था यहाँ से मुझे इस एज कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है करके। नहीं, उससे पहले तो सारा स्टडी पे ही रहता था, स्पोर्ट्स पे कुछ नहीं था, बस अपनी खुद की प्रैक्टिस होती थी, लेकिन एक मोटिव मिल गया था कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर मुझे आपके हॉरोस्कोप को देख के, मतलब अभी तो मैंने खोला ही नहीं है, अभी तो जो मेरे सामने आपकी चीजें है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, मुझे तो आपके जो ये चीजें हैं इनको देखकर ऐसा लगता है कि स्टडीज का तो बहुत अच्छा आपका वो रहा नहीं। स्टडीज में एक तो हम पढ़ लेते हैं ठीक है, दो यू आर इंटेलिजेंट, तो आपने पढ़ाई कर ली वो ठीक है, लेकिन एक ये होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं और हमने उस पढ़ाई को एक फोकस बना लिया कि मुझे इस पढ़ाई को ही आगे लेकर चलना है और मुझे अपने आप को कहीं कुछ बनाकर खड़ा करना है, वो चीज मुझे मिस दिखाई दे रही है। ठीक है, हमने एक डिग्री लेनी है तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उस पढ़ाई को मैं कल यूज करूंगा ऐसा तो मुझे कहीं आपके उसमें चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा, नंबर ही नहीं है आपके उस तरह के। बिल्कुल, क्योंकि मेरा 10th क्लास से 11th 12th क्लास के बाद से ही मेरा मोटिव ये स्पोर्ट्स का बन गया था। मैं कर रहा था डिग्री क्योंकि फैमिली वाले की तरफ से रहता है कि भाई अच्छा बड़ा पढ़ लिख जाए जॉब करे, बट एक मेरा साइड बाय साइड माइंड में फोकस सिर्फ यही था, पढ़ भी रहा था मेरा बच्चा। देखो आपके पास नंबर जो होल्ड कर रहे हो ना, आपके पास तीन नंबर ऐसे हैं जिन नंबर्स को लेकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका बहुत सारी लैंग्वेजेस और बहुत अलग अलग तरह की पढ़ाई या अलग अलग तरह की चीजों में रुचि बहुत होती है, लेकिन करियर उसमें बनेगा वो मुझे डाउट होता है। मतलब आप उन सब चीजों को अपना बेस बनाकर कल को खड़े नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि पढ़ लिख कर एक जेंटलमैन बनने वाली कुंडली आपकी नहीं है। एक होता ना राजा बाबू बन जाएंगे, हम पढ़ लिए, हम लिख लिए, हमने सब कर लिया, अब अच्छे से एक जॉब मिल जाएगी, हम एक सीट पर बैठ जाएंगे, वो वाली कुंडली नहीं है। रीजन बीइंग आप नंबर 8 लेकर चल रहे हो, नंबर 8 मतलब शनि का नंबर। शनि का नंबर जो होता है वो इंसान से कर्म करवाता है, जितना पसीना बहाओगे, जितना ज्यादा अपने ऊपर आप अपनी बॉडी के ऊपर अपने ऊपर जितना खर्च करोगे उतना ज्यादा आपको वहां से रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जब आप नंबर 8 लेकर चल रहे होते हो तो उस टाइम पर आपको ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि शनि हर चीज जिंदगी में बहुत शने शने देता है, शनेश्चर इसीलिए कहलाता है, बहुत धीरे धीरे मिलेगा, इंस्टेंट जंप जो होता है ना वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो एक तो जब आपको वो इंस्टेंट जंप ना मिले तो आपको उस चीज से परेशान नहीं होना, आपको उस चीज को लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, 4 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए, 5 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए, मुझे इसका रिजल्ट वापस नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, कर्म करते चलो करते चलो। आपको नहीं पता कि आपको वो कहते ना किक, वो किक कब और किस वक्त लग जाएगी वो आप तय नहीं करोगे,
वो आपकी कुंडली में आपका शनि तय करेगा, और शनि आपकी कुंडली में जब ये चीजें तय करेगा तो वो कोई भी दिन चुन सकता है। इसमें वो कोई साल पर्टिकुलर कि मैं 30 साल का होऊंगा तब मुझे मिलेगा, मैं 32 साल का होऊंगा तब मिलेगा, वो होती है कुंडली की कैलकुलेशन। आपके इसमें चल रही है आपकी कर्म की कैलकुलेशन। कर्म कैलकुलेशन ये कहता है आपका कि आप बस कर्म करते चलो, उसका आपको कब जंप आ जाएगा आप खुद नहीं जान सकते, और ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर आपको प्रिडिक्ट कर सकता है कभी भी। ठीक है, तो आपको एक तो हताश नहीं होना, एक कभी भी आपको निराश होकर नहीं बैठना, एक आपको अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, जो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4-5 महीने से आपके मन में आ रही है फीलिंग्स कि थोड़ा सा कुछ चेंज करके देखते हैं, थोड़ा मोड ऑफ प्रैक्टिस चेंज करके देखते हैं, काम करने का तरीका चेंज करके देखते हैं। कुछ चेंज मत करो, जैसे हो वैसे रहो। इसका रिजल्ट कब आपको मिल जाएगा आपको नहीं पता, और पास्ट भी आपका ऐसे ही गया, मतलब आपने जहां से भी अपनी जर्नी चालू करी हो एकदम से आपको जंप मिल गया और आप इंडिया गॉट टैलेंट में पहुंच गए, एकदम ही हो गया। उसके लिए आपने तो सोचा मेरे ख्याल से नहीं होगा, हाँ ठीक है मेहनत कर रहे थे, एक एम था, सब कुछ था, लेकिन पहुंच ही जाओगे और उस लेवल पे पहुंच जाओगे ये तो नहीं सोचा था। तो वही चीज मैं यहां भी कह रही हूं, शनि आपको कब रातों रात वहां से वहां पहुंचा देगा ये बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी बोल पाना। तो अपने चीजों पर फोकस आपको हमेशा बना कर रखना है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आपकी कुंडली में बहुत कुछ बल होते हुए भी, आपके भाग्य का सपोर्ट होते हुए भी, और आपके कर्म की प्रधानता होते हुए भी, ऐसा नहीं है कि आप आलसी हैं, ऐसा नहीं है आप कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के लक्ष्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में उच्च आई पर जाने की चाह नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गति, हमारे जीवन की तरक्की, हमारी बहुत सारी चीजें रुक रही हैं। हम एक हाईवे पे चल रहे हैं और ऐसा हाईवे है जिस पर हमको 120-130 की स्पीड से गाड़ी भगानी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, हम जैसे ही 60 की स्पीड लेते हैं कोई गड्ढा आ जाता है, हमें वापस से ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर हम थोड़ा सा स्पीड लेते हैं फिर हमें रुकना पड़ता है। ये बार बार रुकना, ये बार बार अपनी चीजों के अंदर रुकावटों को महसूस करना, सब कुछ करने के बावजूद भी एक स्तर पे जाकर हमारा, हमारी चीजों से दूर रह जाना, हाथ में हमेशा अभाव महसूस होना, ये किन लक्षणों के कारण होता है, किन वजहों के कारण होता है, आज मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। मैं कौन हूं, मुझे तो आप सब जानते ही हैं, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं, और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं, चूंकि आपकी सारथी हूं इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूं। हम बहुत 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 पॉपुलर एक शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपने कर्म के बल पर अपने आप को दुनिया के सामने प्रूफ करके दिखाया, और केवल अपने आप को नहीं, उन्होंने अपने साथ बहुत सारे बच्चों को भी लाइमलाइट में लाया है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी, एक स्तर पे जाने के बावजूद भी, उस एक ऐसी दुनिया में जहां जाना हर किसी का सपना होता है, उस दुनिया में प्रवेश करने के बावजूद भी इनके मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि हर किसी की कुंडली एक अपना बल रखती है, हर किसी की कुंडली में अपने अपने तरह के योग होते हैं जो हम सबके सामने नहीं ला सकते, और कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं जो शायद मुझे लगता है कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे छुपानी चाहिए, लेकिन जब हमने सारी बात कर ली, कुंडली सारी डिस्कस कर ली, सारी चीजों पर हमने चर्चा करी, तो निकल कर आया एक ऐसा दोष जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी हाथ खाली नजर आ रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी मन को कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। और साथ ही साथ में जब हम इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं या इस बारे में हम जब आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि मुझसे और भी लोगों ने पूछा कि क्या ये हर कुंडली में होता है, हर कुंडली के अंदर क्या ये दोष बनता ही बनता है, और हर किसी के साथ क्या ये चीजें आती ही आती हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं ये दोष क्या होता है। ये दोष होता है पितृदोष।
ये एक ऐसा दोष होता है जो आपकी तरक्की को रोक देता है, आपकी गति को रोक देता है, आपके घर के अंदर निर्माण नहीं होने देता, आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य नहीं होने देता। एक बहुत बड़ी आपकी फैमिली होती है, लाइक अगर मैं आपसे बोलूं, आपके परदादा के 7 भाई थे, उनके आगे कम से कम 15 या 16 बच्चे थे, उनके आगे जो पीढ़ी आई वहां पर 5 या 6 बच्चे रह गए, और आगे आते आते 2 बच्चे रह गए, और आते 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 या तो लड़कियां रह गई या एक ही लड़का रह गया। मतलब वंश कहां से चालू हुआ और घटते 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 वंश बिल्कुल समाप्ति की तरफ आता चला गया। सपोज किसी के आपके घर में बिल्कुल अभी शादी हुई और शादी के बाद से ही घर के अंदर कुछ ना कुछ तनाव उत्पन्न होने लगे, घर के अंदर एकदम से चीजें नेगेटिव की तरफ जाने लगी, आपके घर के अंदर संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आने लगी। पहले एक जॉइंट फैमिली थी, सब साथ रहते थे, अब धीरे धीरे करके सब पृथक पृथक हो गए, सब बट गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, आपस में परिवार में कलह चालू हो गई। लोग एक घर में रहकर एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहते तो हैं लेकिन उनके वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहते हैं और हमेशा उस घर में रहने वाले ऐसा चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिल जाए, हम अलग रहें और ये अलग रहें, हम साथ में ना रहें। मतलब आप एक जॉइंट फैमिली को तोड़कर बिल्कुल अलग रहने पर बिलीव करते हो तो कहीं ना कहीं आपके घर में पितृ दोष होता ही होता है। जब आपके घर के अंदर पूजा हो, पाठ हो, कोई धार्मिक काम हो, तब आपके घर के अंदर कोई ना कोई कलह बन जाए, आपस में लोगों की लड़ाइयाँ हो जाए, बाहर के लोग आकर आपके घर के अंदर ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगे, आपके घर की बातें बहुत ज़्यादा फैलकर उनके एक गॉसिप्स बनने लगे, लोग आपके घर का मजाक उड़ाने लगे, आपके घर के बड़ों के द्वारा बहुत गलत डिसीजंस लिए जाने लगे, आपके घर के बड़े कहीं ना कहीं पैसों के मैटर्स में कई गलतियां कर दें, उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत वाली हो जाए, लगातार आपके साथ या आपके परिवार के साथ केसेस होने चालू हो जाए और आपको बार बार अदालत के चक्कर काटने लगे, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लग जाएं या आपका भाग्य अवरोध करना चालू कर दे, आपके बच्चों की गति में, सक्सेस में, स्पीड में कहीं ब्रेकेज आने लगे, तो आप मान के चलिए ये पितृ दोष के ही सिम्टम्स हैं और इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। जब बात हम पितृदोष की करते हैं तो हर कुंडली में ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष तो कैसे ना कैसे बन जाएगा, क्योंकि इसका संबंध आपके शुक्र से भी है, शनि से भी है, आपके सूर्य से भी है, आपकी चंद्र कुंडली से भी है, आपकी लग्न कुंडली से भी है, तो आपको कहीं ना कहीं तो ये उत्पन्न होता दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता हर कुंडली में पितृदोष हो, ये जरूरी नहीं है, कोई और रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी कुंडली आपको परेशान कर रही हो। उसे जानने के लिए आपको किसी अच्छे बंदे से अपनी कुंडली डिस्कस करना जरूरी होता है। चलिए जी, बात सिम्टम्स की कर ली, आपको हमने बता दिया चीजें कैसे रुकती हैं, अब बात कर लेते हैं उपाय की। जब उपाय की हम बात करते हैं तो उपाय, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए पितृदोष कभी भी समाप्त नहीं होता, ये हमेशा बना रहता है, इसे आपको हमेशा उपाय कर करके डाउन करना पड़ता है, इसके लिए आपको रेमेडीज रेगुलर करनी पड़ती हैं, आप रेमेडीज रोक नहीं सकते इसकी। अमावस पर रेमेडीज करना बिल्कुल मत भूलिए, हर शनिवार को किसी गरीब को खाना खिलाना बिल्कुल मत भूलिए, आप अपने घर के अंदर पितरों के नाम से दीपक रोज जरूर जलाइए सरसों के तेल का, और वो भी साउथ डायरेक्शन में। पितृ जब भी आपके घर के अंदर ये दोष उत्पन्न कर रहे हो तो आपको पितृपक्ष में रोजाना अपने घर में 10 सिक्के लेने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखकर आपको जला देना है, तत्पश्चात ये 10 सिक्के ले जाकर आपको किसी गरीब व्यक्ति को दे देने हैं और दीपक जो है वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देना है। लगातार पितृपक्ष में अगर आप ये कार्य करते हैं तो ऐसा करने से धीरे 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 करके इसका दोष आपके ऊपर से हट जाता है और आपकी लाइफ में सक्सेस आने लगती है, आपकी चीजें सही होने लगती हैं। उम्मीद करती हूं
आप ये सारी चीजें जरूर करेंगे और अपनी लाइफ में रुकी हुई चीजों को स्पीड जरूर देंगे। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।